अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं हम लोग? खैरियत से? अच्छा भाई, अभी हम लोग निकलने हैं घूमने के लिए सफ़र पे, तो ट्रैवलिंग के ही ब्लॉग है ये। जा रहे हैं अबाया है, वहाँ पे थोड़ी ठंड होती है, यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है, और तो इंशाल्लाह गाड़ी में बैठ के भी थोड़ी ब्लॉगिंग करेंगे। और अभी घर से निकल रहे हैं, तो मैंने बोला कि मैं आपको बताया जाए। सो निकलने के बाद फिर गाड़ी में थोड़ा ब्लॉग बनाएंगे। अभी निकल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? फिर आपसे मिलते हैं। इससे पहले थोड़ी तैयारी हो रही है, बिरयानी बनाई है हम लोग ने, पीछे पैक हो रही है और सामान रेडी किया जा रहा है। ये बाकी सामान है हमारा निकलने में, तो निकलेंगे हम। ये सब जा रहे हैं हमारे साथ, माशाल्लाह से एक बढ़ के एक हीरो यहाँ पे मिलेंगे आपको। देख रहे हैं आप, तो बस निकल रहे हैं अभी थोड़ी देर में। बिरयानी रेडी हो गई है, उसको गाड़ी में रखेंगे। बाकी सामान है, ये ले जा रहे हैं हम लोग। तो ये देखें, बिल्ली भी बैठी हुई हमारी, ये नहीं जा रही हमारे साथ भाई, क्यों? इसलिए उसको हम लेके नहीं जा रहे। तो बस अभी निकल रहे हैं हम लोग, तो इंशाल्लाह फिर आपसे गाड़ी में ब्लॉग करते हैं। हमारे ये दोस्त, ये ड्राइवर है हमारा, माशाल्लाह से बोलते हैं, मिले हमसे। ये उस्मान साहब हैं, ये माशाल्लाह से इनकी गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, मगर ये काम करते हैं हमारे साथ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इनकी तारीफ़ करो, ये अस्तगफिरुल्लाह कर रहे होते हैं। चलें ठीक है भाई, उस्मान भाई जा रहे हैं अभी गाड़ी निकालने के लिए, हम भी गाड़ी में फिर थोड़ी सी ब्लॉगिंग करेंगे। तो बस फिर मिलते हैं गाड़ी में। मैं भी बना यार, बना ये देखे भाई पहाड़ ऊंचे पहाड़ है। और
टर्नल चिड़िया आने वाला है वहाँ पर। हाँ, दिस इज वेरी क्रिएटिव। इंग्लिश मैन हमारे साथ जा रहे हैं, ट्रांसलेटर नहीं है। दिस इज हॉट टॉपिक। ओह वाओ। कितना प्यारा माहौल है यहाँ पे, कितना प्यारी जगह है ये, इतनी खूबसूरत जगह पे हम लोग आए हुए हैं। तो मैं भी दोस्तों के साथ आया हुआ हूँ और मेरे दोस्त अभी अपने कुछ लीडो खेल रहे हैं, कुछ अपनी हरकतें कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। मैं भी निकला था, मेरा चैलेंज थोड़ा ब्लॉग बनाए और वीडियो बना के दिखाएं आपको कि हम कहाँ पर आए हैं। इसको कह रहे हैं अल सऊदा, सऊदी कंपनी। बहुत ठंडा इलाका है ये और अभी तो दोपहर हुई है तो यहाँ पे इतनी ठंड है। रात में तो पता नहीं क्या होगा, जब रात में हम निकलेंगे यहाँ से तो फिर पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है। तो अभी इतनी ठंड हो रही है वो तो आपको लेके रहा होगा पीछे का माहौल देख के। ठीक है, चलें अभी चलता हूँ मैं भी अपने दोस्तों के पास और फिर आपको आगे की वीडियो ब्लॉग करेंगे क्या है।